हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कस्टमाइज करना सीखेंगे। कस्टमाइज करने का एक और प्रोग्राम मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा और डिटेल में इसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 को मैं ओपन कर लेता हूं यहां से। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन हमारे पास है। 2007 वर्जन भी मैंने रखा है, लेकिन अभी हम 2016 वर्जन पे ही काम करने वाले हैं। हमें ब्लैंक डेटाबेस चूज करना है, और जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह का कुछ सिनेरियो हमारे सामने आएगा। यहां से क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक। यहां पर आपको जाना है क्रिएट पर, और आ जाना है कहां पे, फॉर्म। ये जो है ना फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म पे हम आ जाते हैं। ये ब्लैंक फॉर्म पर हम आ चुके हैं, यहीं पर हम अपना फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं। तो यहां से अब डिजाइन व्यू पर हमें चले जाना है। ये आगे हम डिजाइन व्यू पर, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा लेता हूं यहां से। इसको ड्रैग करेंगे यहां पर रख करके, तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अब यहां पर हमें टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने हैं, ताकि हम चीजों को ऐड कर सके इसमें। तो सपोज कीजिए यहां से हम टेक्स्ट बॉक्स लेने वाले हैं, तो ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स है। यहां पर क्लिक कीजिए और फिर इसको ऐसे ड्रैग करवा दीजिए। तो जैसे ही आप ड्रैग करवाएंगे, कुछ इस तरह से ये बन करके आ जाएगा, और इसी की कॉपीज हमें बना लेनी है। तो यहां से इसको कॉपी किया और यहां से पेस्ट कर सकते हैं। आप दोबारा वहां पर क्लिक करके भी कर सकते हैं ये काम। तो ये दो हो गया, फिर ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स हमने बना लिया। तो ये कुल मिलाकर चार टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास हो चुके हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, ब्लैंक जगह है ना, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है प्रॉपर्टी शीट पर। ये प्रॉपर्टी शीट पर आ गए। प्रॉपर्टी शीट पर आने के बाद यहां से आपको ना, हमने फॉर्म लेना है, ये फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म पर आ गए हम। अभी हमें क्या करना है, यहां से ऑल पे जाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हम अभी ऑल पे हैं। यहां से पॉपअप जो है, ये जो पॉपअप दिया हुआ है, इसको आप कर दीजिए यस। यहां से पॉपअप जो है, ये जो पॉपअप दिया हुआ है, इसको आप कर दीजिए यस। यहां से आपको करना है यस, ठीक है। इसको यस कर दीजिए आप, ठीक है। यहां से आना है इवेंट पे, और इवेंट पे आने के बाद यहां आपको ऑनलोड मिल जाएगा। ये ऑनलोड जो है, यहां पर जो थ्री डॉट्स बनी हुई है, इस पे क्लिक कर दीजिए और कोड बिल्डर पे आ जाइए। ये जो कोड बिल्डर दिया हुआ है ना, इस पे आ जाइए आप, ठीक है। अब यहां पर कुछ कोडिंग आपको करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ कोडिंग आपको करनी होगी इसके लिए, तो वही कोडिंग यहां पे हमें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। यहां पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डू सीएमडी, ठीक है। यहां लिखना है डू सीएमडी, जैसे मैंने लिखा वैसे ही बिल्कुल। और डॉट, अभी आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या मिनिमाइज, वो देख लीजिए। मैं यहां पे मैक्सिमाइज ही करना चाहता हूं, तो यहां पे लिख दूंगा मैक्सिमाइज, ठीक है। और मैक्सिमाइज को लिखने के बाद आपको एंटर करके नीचे आना है, फिर यहां लिखना है एसटी, ठीक है, डॉक नेम। ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही बिल्कुल, एसटी डॉक नेम इज इक्वल टू, चूंकि ये है फॉर्म वन, ठीक है, फॉर्म वन। यहां पे देख सकते हैं ये फॉर्म वन है, तो यहां पे डबल ट्रेड कॉमा में मैं लिख देता हूं फॉर्म वन। अगर इसका नाम आप चेंज करेंगे तो वही नाम आपको देना होगा, ठीक है। तो ये दे दिया फॉर्म वन। अब यहां पे डू सीएमडी डॉट ओपन फॉर्म, अब ओपन करने पे क्या होगा, वो कोडिंग यहां पे देनी है नीचे। तो डू सीएमडी डॉट ओपन फॉर्म, एड एसटी लिखेंगे यहां पे, डॉक नेम ठीक है, कॉमा लगाएंगे, फिर गैप, फिर कॉमा, फिर गैप, फिर कॉमा, थ्री टाइम्स यानी कॉमा लगाएंगे आप। एसटी लिंक क्राइटेरिया ये लिखना है आपको, एसटी लिंक क्राइटेरिया, ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। और अब इसको कर देना है सेव। तो यहां से सेव करता हूं इसको, फॉर्म वन के नाम से सेव कर देता हूं, और यहां से ओके प्रेस करता हूं, ठीक है। अब यहां पर चीजों को आपको चेंज करना है, ठीक है। ये चीजें आपको चेंज करनी है, जैसे ये टेक्स्ट वन लिखा हुआ है, यहाँ पे अनबाउंड है, तो यहाँ पे फॉर्मेट तो टेक्स्ट ही रहेगा, लेकिन ये चीज हम चेंज करेंगे। ये यहाँ पे आएंगे और कैसे कैसे चेंज करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। यहां पे हमें नेम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो कहां चलेंगे, प्रॉपर्टी शीट पे चलेंगे, और प्रॉपर्टी शीट में ऑल पे चलेंगे, यहां पर नेम ऑफ प्रोडक्ट दे देंगे,
नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये नेम ऑफ प्रोडक्ट दे दिया हमने। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर भी नेम ऑफ प्रोडक्ट ही हमें देना है। तो टेक्स्ट जीरो हटा दिया और यहां पे कंट्रोल वी कर देंगे तो नेम ऑफ प्रोडक्ट यहां भी आ जाएगा। इसी तरह से यहां पे करना है प्रोडक्ट की प्राइस। अच्छा, डेटा टाइप इसमें करेंसी रखना है आपको, प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी इसमें डेटा टाइप करेंसी रखना है। तो यहां पे मैं सिर्फ कर देता हूं प्राइस, ठीक है, और ये टेक्स्ट हटा देता हूं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, और यहां पर भी वही चीज प्राइस ही आएगी, ठीक है। तो यहां से टेक्स्ट टू हटा करके प्राइस, डेटा टाइप हमें चेंज करना है तो यहां से हम डेटा टाइप भी चेंज करेंगे। तो यहां पर जब फॉर्मेट में आएंगे तो यहां से हमें क्या करना है, इसको करेंसी बना देना है। तो ये करेंसी हो गया, ठीक है। अब यहां पे यूनिट की बात करेंगे तो यहां पे यूनिट दे देते हैं, यूनिट, ओके। तो ये यूनिट दे दिया हमने और यहां पर भी हमें यूनिट रखना है तो इसको हटा दीजिए और यूनिट कर दीजिए, ये यूनिट कर दिया हमने, ठीक है। और यहां पर रख करके और कैलकुलेट करने की बारी है, ठीक है। तो कैलकुलेट अब यहां पे करेंगे हम, तो यहां पे टोटल करेंगे पहले, तो यहां पे टोटल दे देता हूं, ये टोटल कर दिया हमने, इसका नाम हमने दे दिया टोटल, ठीक है। और यहां पर जो नेम है इसको भी चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं टोटल, कैप्शन वहां पे टोटल दिया, नेम नहीं बल्कि कैप्शन, और यहां पर नेम में टोटल दे दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे टोटल कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा, कंट्रोल सोर्स पे जाएंगे और कंट्रोल सोर्स पे ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहां पर आ जाएगा ये इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए सीधी तौर पे यहां पे प्राइस है, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, इनटू का साइन लगाइए बीच में और यूनिट से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका काम हो गया। यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब यहां पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, यहां पे मैं दे देता हूं टैक्स इन परसेंट, ओके, तो इतना दे दीजिए आप बस, ओके। अब यहां से इसको ड्रैग करिए, खींचिए, यहां से पकड़िए और इसको खींच डालिए यहां तक, ये खींच दिया हमने, और फिर यहां से इसको खींचते हुए यहां तक आइए, ठीक है, ठीक है। और अब ये अनबाउंड पे क्लिक कीजिए और अनबाउंड पे क्लिक करने के बाद फिर यहां पे टैक्स इन परसेंट, ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं टैक्स इन परसेंट, ठीक है। अब यहां पर रख करके हमें इसका फॉर्मेट बदल देना है, फॉर्मेट क्या होगा इसका, इसका फॉर्मेट जो होगा वो होगा परसेंट, तो यहां से आपको चूज करना है परसेंट, तो ये परसेंट चूज कर लीजिए, और परसेंट को चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से वापिस आना है और एक और टेक्स्ट बॉक्स हमें क्रिएट करना है, ये इस पर क्लिक करिए और यहां से एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर डालिए, ठीक है। यहां से इसको थोड़ा विड्थ बढ़ा लीजिए, यहां पे कर देता हूं टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट कर दूंगा, टैक्स अमाउंट, ओके, तो ये टैक्स अमाउंट कर दिया हमने। और यहां पर रख करके फिर यहां से इसको भी चेंज करेंगे टैक्स अमाउंट, ओके। और टैक्स अमाउंट करने के बाद यहां पे कर्सर को रखना है आपको, और टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, यहां पे कंट्रोल सोर्स पे जाएंगे, यहां पे इज इक्वल टू लगाएंगे और फिर टोटल में हमारा टैक्स अमाउंट छिपा होगा, तो यहां पे देखिए टोटल आपको मिल जाएगा, ये टोटल लीजिए, इनटू का साइन लगाइए और टैक्स इन परसेंट आपको ले लेना है। तो यहां पे देखिए टैक्स इन परसेंट आ रहा है, बस आपको इतना ही करना है, ओके प्रेस करना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से हमें कर देना है और यहां से व्यू पे कर देना है क्लिक। तो ये इस तरीके से हमारा, ये देखिए बिल्कुल ही कस्टमाइज होकर सॉफ्टवेयर आ रहा है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं, टेक्स्ट वन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे सही, इसको पहले यस करता हूं, अब यहां से इसको वापस से डिजाइन व्यू पे लेता हूं, ये टेक्स्ट वन जो लिखा हुआ आ रहा था इसको यहां से आप हटा दीजिए, टैक्स अमाउंट सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आना चाहिए, तो ये टैक्स अमाउंट हमने कर दिया है और यहां से आप व्यू पे क्लिक कीजिए तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पे नेम ऑफ आ रहा है, प्रोडक्ट तो लिखा हुआ आ ही नहीं रहा है,
तो प्रोडक्ट कैसे आएगा वो भी दिखा देता हूं। ये यहां से इसकी विथ को आप बढ़ा दीजिए, ये विथ जब बढ़ जाएगी तो यहां से थोड़ा इसे छोटा कर लीजिए और इसकी विथ आप बढ़ा दीजिए, ये हो गया। अब यहां से इस पर क्लिक कीजिए तो ये इस तरह से आएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट, सारी चीजें अब दिख रही हैं। अब मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम है कीबोर्ड, यहां पर लिखता हूं मैं की बोर्ड, ठीक है, एंटर प्रेस किया, नीचे आएंगे। अब कीबोर्ड की कीमत है 500 रुपए, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब 5 यूनिट इसकी खरीद रहे हैं तो यहां पे देखिए टोटल आ गया। अब टैक्स इन परसेंट, परसेंट कितना लग रहा है, कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 21% का अगर टैक्स लग रहा हो तो उसके हिसाब से 525 रुपए, 2500 पे 525 रुपए टैक्स लग रहा है। ये इस तरह से सॉफ्टवेयर आपका काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से चाहे तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, इसमें बटन वगैरह भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, उसकी बात किसी अन्य वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।